आज जो अन्याय हो रहा है कहीं ना कहीं उसके जिम्मेदार ये समाज है, हम सब लोग हैं। माननीय काशीराम साहब का एक ऐतिहासिक कथन है कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें कामयाब मजबूत नहीं होती उनकी राजनीति कामयाब नहीं हो सकती। लेकिन सिर्फ सामाजिक संगठन चला के हम लोग इस देश में बिना सत्ता को प्राप्त किए कामयाब नहीं हो सकते हैं। कि इस देश के बहुजन समाज के लोगों के साथ आज भी मुझसे रखने पर उनकी हत्या होती है, अच्छे कपड़े पहनने पर उनकी हत्या होती है, अच्छा खाने पीने पर उनकी हत्या होती है। कोई उनको जूते में पानी पिलाता है, कोई जूते में पेशाब पिलाता है, कोई उनके सर पे पेशाब कर देता है। बहुजनों के नेताओं की उन सुरक्षा मिलनी चाहिए, उनकी जान से खेलने की छूट क्यों मिलनी चाहिए मनुवादियों को। मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूं भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज के उन सब लोगों को जो कल दिल्ली भीम आर्मी के 8वें स्थापना दिवस पर और एक ऐतिहासिक विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे। आज अगर हम राजनीतिक रूप से अभी बहुत कामयाब नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी हमने देश में लाखों लाखों लोगों को महापुरुषों के आंदोलन को चलाने के लिए तैयार किया है। आंदोलन का मतलब सिर्फ राजनीतिक सफलता नहीं होती है। जिस आंदोलन को हम लोग चला रहे हैं, जब हम काशीराम साहब को देखते हैं तो हमें समझ आता है कि उनका आंदोलन था सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति। क्योंकि भारत में लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, तो वोट की शक्ति से उसको सत्ता में आकर आसानी से हासिल किया जा सकता है। सत्ता एक विकल्प है जिसके जरिए आप सामाजिक परिवर्तन के एजेंडे को मजबूती से लागू करा सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं, बहुत सारी समस्या आपकी खत्म हो जाएगी, बहुत सारे साधन संसाधन आपके पास होंगे अगर आप सत्ता में होंगे। और जो एक और महत्वपूर्ण पक्ष है, आर्थिक गैर बराबरी को आपको समझना पड़ेगा। उसको समझाने से पहले मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊंगा। एक माननीय काशीराम साहब का एक ऐतिहासिक कथन है कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें कामयाब मजबूत नहीं होती उनकी राजनीति कामयाब नहीं हो सकती। पुनः मेरी बात को सुने कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती उस समाज की राजनीति भी कामयाब नहीं हो सकती। अब गैर राजनीतिक जड़ें क्या होती हैं? हमारा समाज जहां भी आप पूछोगे वो बताएगा कि हम सामाजिक संगठन चला रहे हैं। किसी अधिकारी से पूछोगे हम अपने डिपार्टमेंट का सामाजिक संगठन चला रहे हैं। किसी गांव बस्ती में पूछोगे हम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे सामाजिक संगठन चला रहे हैं। आप इतने सारे सामाजिक संगठन चला रहे हैं, इसी की वजह से आज समाज में जागरूकता पड़ी। लेकिन सिर्फ सामाजिक संगठन चला के हम लोग इस देश में बिना सत्ता को प्राप्त किए कामयाब नहीं हो सकते हैं। जैसा मैंने आपको कहा कि गैर राजनीतिक जड़े होती हैं समाज की सामाजिक हैसियत और समाज की आर्थिक हैसियत। सामाजिक हैसियत हमारी क्या है ये आप जानते हैं। सामाजिक हैसियत हमारी ये है कि देश के बहुजन समाज के लोगों के साथ आज भी मुझसे रखने पर उनकी हत्या होती है, अच्छे कपड़े पहनने पर उनकी हत्या होती है, अच्छा खाने पीने पर उनकी हत्या होती है, घोड़ी पर बैठ के बारात चढ़ने पर उनकी हत्या होती है, अच्छे गाने बजाने पर उनके साथ हत्या होती है, अपराध होते हैं। कोई उनको जूते में पानी पिलाता है, कोई जूते में पेशाब पिलाता है, कोई उनके सर पे पेशाब कर देता है, कोई उनको और तमाम तरह की अपमानित करने के जो हैं प्रयास करता है, कहीं हत्या कर दी जाती है, मार के लटका दिया जाता है, कहीं हत्या करके टुकड़े कर दिए जाते हैं, कहीं रेप होता है छोटी छोटी बच्चियों का, कहीं और तमाम तरह की चीजें होती हैं, सामूहिक बहिष्कार किया जाता है, कहीं जुर्माना लगाया जाता है, कहीं पेड़ में बांध के यातनाएं दी जाती हैं। तो ये हमारी सामाजिक हैसियत है। इस देश के आजादी के 75 साल बाद भी ये इस देश में हमारी सामाजिक हैसियत है। आप सोचो जब काशीराम साहब आंदोलन चला रहे तब हमारी सामाजिक हैसियत और कितनी कमजोर रही होगी। फिर आर्थिक मजबूती की बात कर लेता हूं, आर्थिक मुक्ति की बात कर लेता हूं, आर्थिक हैसियत की बात कर लेता हूं। तो आर्थिक हैसियत ये है कि देश के विभिन्न कोने में आप जाओगे
भारत के अंदर 2% सरकारी सेक्टर है, उसमें 22.5% आरक्षण हमें है, 27% आरक्षण पिछड़े वर्ग के लोगों को, वो भी जो है पूरा नहीं किया जाता, उसका उदाहरण भी मैं आपको दूंगा। ये हमारी आर्थिक हैसियत है कि इन 2% हमारे समाज को, हमारा 1% समाज भी कामयाब नहीं हुआ। उस 1% समाज जो सरकारी नौकरी में गया, उस 1% समाज ने अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाया लिखाया, किसी को बिजनेस करने के लिए, किसी को आर्टिस्ट बनाने के लिए, किसी को पत्रकार बनाने के लिए, किसी को हिस्टोरिकल बनाने के लिए उसने अच्छी पढ़ाई करवाई, तो हमारा 7-8-9-10% समाज तैयार हुआ है, बाकी 90% दलित समाज की स्थिति चूकी तू है, और ऐसी स्थिति 80% पिछड़े वर्ग के लोगों की है। आप अपने गांव बस्ती में जाकर देखना, पाल समाज के लोगों को, प्रजापति समाज के लोगों को, सैन समाज के लोगों को, कश्यप समाज के लोगों को, निषाद समाज के लोगों को, और जो अन्य पिछड़ी जातियां हैं उनके घर परिवार, उनके कामधाम, उनके रोजगार देखना, वो बहुत सक्षम इस देश में नहीं। आप 80% 85% चमार समाज के लोगों को, पासी समाज के लोगों को, धोबी समाज के लोगों को, कोरी समाज के लोगों को, खटीक समाज के लोगों को कभी उनके गांव में, उनकी बस्तियों में, मुसार समाज के लोगों को जाकर, अलग अलग जातियों से हम लोग हैं, जातियों से हम लोगों को पहचान मिलती है, कहीं हमको डूम कहा जाता है, कहीं हमको डूमडे कहा जाता है, कहीं हमको मुसार कहा जाता है, कहीं हमको मांझी कहा जाता है, इतने सरनेमों में हम लोग बटे हुए। लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति यह है कि एक सरकारी आंकड़ा कहता है कि 54% दलितों पर एक गज जमीन नहीं, और जिन पे एक गज जमीन नहीं उनकी आर्थिक स्थिति क्या होगी आप जान लो। जिस समाज का 80% हिस्सा सुबह मेहनत मजदूरी पे जाता है और कुछ कमा के लाता है, तब उनके घर में चूल्हा जलता है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या होगी ये आपको समझना चाहिए। इसलिए साहब ने कहा कि भाई इनकी राजनीति कैसे कामयाब होगी, इसलिए उन्होंने, इनके पास तो सामाजिक और आर्थिक जड़े ही नहीं है तो इनकी राजनीति तो कामयाब नहीं हो सकती, इसलिए उन्होंने समाज के पढ़े लिखे और सक्षम जो अधिकारी कर्मचारी थे उनको तैयार किया कि भाई आप लोग हौसला जुटाओ, आप अपनी जिम्मेदारी को समझो, सामाजिक जिम्मेदारी को समझो, आपको जो नौकरी मिली या रोजगार मिला इसके लिए बाबा साहब ने जो आरक्षण का प्रावधान किया है संविधान में उसकी वजह से मिला, इस वजह से आप अपनी जिम्मेदारी को समझो, अपने जो हाथे पे समाज है उसको उठाने का काम करो, उसके भी हाथ खींचो, उसको ऊपर लाओ, अपनी जिम्मेदारी को अदा करो। साहब काशीराम इस बात को समझाने में कामयाब हो पाए और तब जाके अधिकारी कर्मचारियों ने संघर्ष किया, बामसेफ नाम का संगठन बना, उसके जरिए हमारी पुरानी मूवमेंट खड़ी हुई और हम लोगों को इस देश में अपने पैरों पर खड़े होने का मौका मिला। आज जो अन्याय हो रहा है कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदारी ये समाज है, हम सब लोग हैं, क्योंकि आज हमारे पास शक्ति है इस अन्याय को रोकने की, अपनी ताकत बनाने की, अपने पैरों पर खड़े होने की, और हम चुप हैं, इस काम को नहीं कर रहे हैं, लोगों को जागरूक नहीं बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार हैं। हमारे लोगों को, हमारी विचारधारा को खत्म करने वाले दल हमारे लोगों को अपनी पार्टियों में शामिल करके, उनके वोट को खरीद के, उनके वोट को अपने पाले में करके राज कर रहे हैं। मैं उनको भी संदेश के तौर पे कहना चाहता हूं, जो लोग राजनीतिक कारणों से मेरा विरोध कर रहे हैं, आपको अगर कुछ करना भी है, हम तो बाबा साहब अम्बेडकर, फूले साहू, काशीराम जी का आंदोलन चला रहे हैं, आप जो बीजेपी और दूसरे दलों में, कांग्रेस में और अन्य दलों में जो लोग हैं उनको वहां से निकालने का प्रयास करो, तब तो समझ आए बात। आप हमारा इस वजह से विरोध करते हो क्योंकि गरीब के बच्चे खड़े हो रहे हैं, आपको इस बात से तकलीफ होनी नहीं चाहिए थी, आपको इस बात से तकलीफ क्यों है, आप तो आप ही इन्हीं संघर्षों से उठ के आए हो। मैंने सरकार से भी कहा अगर आपके लोग इसमें शामिल नहीं तो CBI जांच कराओ, जो पता लग जाए दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए कि इसके पीछे कितने बड़े बड़े लोग हैं जो चाहते थे कि चंद्रशेखर आजाद को खत्म कर दिया जाए, वो आपके चंद्रशेखर को खरीद नहीं पाए, रोक नहीं पाए, उसकी जबान पे ताला नहीं लगा पाए, वो डरा नहीं पाए, तो अंतिम जो विकल्प बचा था बोखलाट में हत्या कराना, उसका भी प्रयास उन्होंने कर लिया। मैं चाहता हूं आज के मेरे लाइव को हमारा बुद्धिजीवी समाज, अधिकारी कर्मचारी, सक्षम समाज भी सुने YouTube चैनल के जरिए, इस लाइव के जरिए, और वो आकलन करें कि हमारी जो मांगे थी वो समाज के हित की मांगे थी या किसी व्यक्ति विशेष की मांगे थी,
और हमने जो विभिन्न विपक्षी दल के लोग वहां आए उनको भी अपने ज्ञापन पे सहमत करने का काम किया कि भाई वो हमारे ज्ञापन पे सहमत हों, हमारी मांगों पे सहमत हों। हम इस देश में 75 साल भी अगर अन्याय अत्याचार का शिकार हो रहे हैं, एनसीआरबी का जो डाटा कहता है कि किसी प्रदेश में 20,000 महिलाओं के साथ, किसी प्रदेश में 18,000 महिलाओं के साथ, किसी प्रदेश में 15,000 महिलाओं के साथ जो हर साल अन्याय अत्याचार की घटनाएं होती है, अगर उसका डाटा भी निकाल लिया जाए, अगर शर्म हो मीडिया में वो निकाल के डाटा बताए कि इनमें दलित पिछड़े समाज की कितनी बच्चियां हैं, और जो नफरत करते हैं हमसे, मैं कहना भी नहीं चाहता इस बात को, क्योंकि हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने महिलाओं में कभी भेदभाव करना सिखाया नहीं, हमें तो इंसानों में भेदभाव करना नहीं सिखाया, छोड़ो मैं इस बात को भी नहीं कहता, लेकिन क्या हमारी बच्चों के नसीब में लिखा हुआ है कि उनको पैदा होने के बाद, बड़े होने के बाद, जिनको हम इतने लाड प्यार से पालते हैं, जिनको हम पलकों पर रखते हैं, नाजों में पालते हैं, उनको अन्याय अत्याचार सहना पड़े। मैं समाज की हर एक बहन बेटी को जो दुनिया में कहीं रहती है, मैं उनको अपना परिवार मानता हूं, अगर उनके साथ अन्याय होता है तो मेरा कलेजा छनले हो जाता है। जो लोग मजाक उड़ाते हैं ये कह के, मैं उन हमारे साथी कहते हैं आप इस पर जवाब मत दिया करो, आप ये मत किया करो, लेकिन मैं, क्योंकि मैं जहां से उठ के आया हूं एक गांव से, मेरे पिताजी प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर थे, मैं जिस जगह से निकल के आया हूँ, जिस गरीबी से निकल के मैं बाहर आया हूँ और मैंने दर्द देखा है, तो जो लोग ये कहते हैं अपने राजनीतिक स्वार्थ में कि हम किसी के आगे गिड़गिड़ाए और ये सब चीजें, आप भीम आर्मी के जोश जनून को जानते नहीं। मेरा सारा दर्द इस समाज के लिए है, बहुजन समाज के लिए। अगर मुझे व्यक्तिगत कोई लालसा होती तो बहुत दल थे इस देश में, अगर आपने रास्ता बंद कर दिया था तो मैं दलों को ज्वाइन करके एमपी एमएलए बन जाता। मैंने बाबा साहब अम्बेडकर, काशीराम साहब के मूवमेंट को ना मिटने देने की कसम खाई है, संकल्प लिया है, और मैंने नहीं, हमारे एक एक कार्यकर्ता ने भीम आर्मी के, आप उनको, क्योंकि वो बहुत सारे कार्यकर्ता जो नए जुड़े हैं वो समझदार नहीं, आप अपनी बातें लिख के उनको गुमराह कर लेते हो, फिर उन्हें कुछ दिनों बाद एहसास हो जाता है कि हमें हमारी लड़ाई से रोका जा रहा है, हमें पंगू पिछलब्बू बनाया जा रहा है, फिर वो आके भीम आर्मी के साथ खड़े जाते हैं, क्योंकि मैंने भीम आर्मी के साथियों को स्वाभिमान से समझौता करना नहीं सिखाया, और मैंने उनको एक एक पल ये सिखाया कि वो समाज के लिए ईमानदार रहे। यहाँ राजनीतिक दलों के आखिरी विधायक और जिला अध्यक्ष तक को सुरक्षा मिली है, तो बहुजनों के नेता क्यों सुरक्षा मिलनी चाहिए, उनकी जान से खेलने की छूट क्यों मिलनी चाहिए मनुवादियों को, क्या उनका जीवन इतना आसान है कि जिस आदमी को उन्होंने इतनी मेहनत से तैयार किया, जिस चीज को उन्होंने इतनी मेहनत से बनाया उसके जीवन को कोई एक मिनट में समाप्त कर दे, क्या उनका जीवन इतना सामान्य हो जाना चाहिए देश में। इसलिए हमने सुरक्षा की मांग की, क्योंकि हम भी टैक्स देते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी टैक्स देते हैं, प्राइम मिनिस्टर देते हैं उन्हें देते हैं, गृह मंत्री देते हैं उन्हें देते हैं, मुख्यमंत्री देते हैं उन्हें देते हैं, हम देते हैं टैक्स हर एक चीज पे, हमारी कोई चीज सरकारी नहीं, हमारी कोई चीज फ्री नहीं, हम एक एक चीज पे टैक्स देते हैं, हमारे टैक्स के पैसे को का लाभ हमें क्यों ना मिले, हम भी इस देश के निवासी हैं, हमारा भी अधिकार उतना बैठता है, पढ़े लिखे लोग अपने अधिकारों को जानते, क्यों ना हम मांग करें। इसलिए हमने मांग की, और क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं मेरी सुरक्षा हो जाएगी आप लोग कर लोगे, मेरी गाड़ी बुलेट प्रूफ हो जाएगी, लेकिन हमारा जो आखिरी कार्यकर्ता जो गांव में लड़ रहा है, जिसपे झूठे मुकदमे हो रहे हैं, जिसके खिलाफ झूठी चार्जशीट बनाई जा रही है, जिसको मारा पीटा जा रहा है, जिसकी हत्या की जा रही है, उसकी सुरक्षा कैसे होगी, उसकी सुरक्षा का एकमात्र रास्ता ये है कि आपको ये सत्ता परिवर्तन करके राजनीतिक ताकत अपने हाथ में लेनी पड़ेगी।